से क्या हो गया। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है मेरे को वो? मैं उससे कितना प्यार करता था, कितना लॉयल था मैं उसके लिए, और वो मेरे से प्यार ही नहीं करती, वो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती है। भगवान आप ही बताओ, पैसे में प्यार ज्यादा जरूरी है पैसा? मतलब पैसे में प्यार में पैसा जरूरी है प्यार? पैसा आप भी उसी की साइड ले रहे हो अब? हेलो। हाँ भाई। अरे भाई दे दूंगा ना, मैं लेके थोड़ी भाग रहा हूँ कई पैसे में आपके, मैं आपके पैसों का जुगाड़ करने जा रहा हूँ बस। हाँ अभी जा रहा हूँ। हाँ ओके ओके, चलो इनके पैसों का तो जुगाड़ करूँ, तगड़ी मीटिंग आई है, मैं जाता हूँ। एक अंशु भिखारी, कहाँ जा रहा है तू? आज की भीख मेरी पूरी होगी, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा जा रहा है क्या? एक काम कर, ये अपना कटोरा मेरे को दे दे, मैं भीख मांग लूँगा। मेरे को एक्चुअली ना बहुत जरूरी मीटिंग के लिए भीख मांगनी है, मेरे को बहुत जरूरी काम है, ला दे। अरे तुम तो शरीर से ठीक ठाक दिख रहे हो। यार दिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है भाई, मजदूरी थोड़ी करूँगा मैं भाई, अपना काम खुद करूँगा, भीख मांग के पैसा कमाऊंगा, किसी के उस पर नहीं जीना मेरे को। हाँ अरे तो ला दे, एक काम करिए पैसे भी दे देना मेरे को, ले लूँ मैं? नहीं ये पैसे मेरे हैं। एक नोट ले लूँ? ठीक है भाई। अच्छा अब मस्त भीख मांगूंगा मजे से। हाँ चलो भाई सिगम हो जा शुरू। ए भगवान के नाम पे कोई भीख दे दो इस गरीब को, भीख दे दो भीख। अरे कोई है ही नहीं यहाँ तो। अरे भाई साहब भीख दो ना। अरे कोई तो भीख दे दो इस बेचारे गरीब को, देख नहीं रहे मेरी हालत कैसी है आपको, कुछ तो दे दो। अरे आंटी भीख दे दो भीख। हट्टा कट्टा। हाँ मैं यही काम करता हूँ। अरे गाड़ी वाले भैया दे दो भीख। क्या करूँ यार, यहाँ तो कोई भीख भी नहीं दे रहा, लग रहा है यहाँ पे मेरी दाल निकलने वाली। एक काम करता हूँ जगह चेंज करता हूँ। हाँ उस प्लाट के पीछे बैठता हूँ आराम से ना। एक काम करता हूँ मंदिर के बाहर जाके बैठूँ ना, तो शायद भीख मिल भी जाए। ओए क्या बड़बड़ा रहा है? क्या? अरे भाई मैं तुम्हारे पैसे तो देने वाला था अभी तो दे। वो भाई मैं बैंक गया था ना, वो थोड़ा चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया क्या? बास्केट बोला है क्या? वो बाउंस हो गया? अरे भाई मैं कहता रहा मैं बैंक में गया था तुम्हारे पैसे को जुगाड़ करने, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? भाई मैं पैसों को जुगाड़ करके तुम्हें कल तक पैसे दे दूंगा। देख रहे बातें, देख रहे बातें, देख रहे तुम इसकी है ना, बातें चमका रहा है हमको। तेज बच्चा ना हमारे आगे नहीं पिटेगा भी। वो सब छोड़, इसके कपड़े तो देख कैसे है, अलग अलग चप्पल, एक पजामा नीचे ऊपर बनियान, बाल बिखरे हुए, हाथ में कटोरा क्यों है तेरे? अबे भीख मांग के आया क्या? अरे भाई मैं जानबूझ के कपड़े पहन के गया था, ताकि मैं इतनी भारी रकम भी दो तुम्हारी 2500 रुपए। अगर मैं इतने पैसे लेकर आता कोई सोचता ही तो अमीर है, इसलिए मैं गरीब बन के गया। डाउन टू अर्थ है भाई ये तो। तो फिर कब देगा हमारे पैसे, कोई एक तारीख बता। और सुन अगर पैसे नहीं मिले ना हड्डी बड्डी तोड़ दूंगा तेरी, और नाले फेंक दूंगा। ये बोलो नहीं तू फेंक दियो वो। हाँ मैं फेंक दूंगा। अरे यार तुम तो ऐसे चेप हो रहे हो मेरे साथ, तो दिखा रही हूँ मैं। अरे भाई यही घूमता रहता गलियों में मैं, तुम्हारे आंखों के आगे हूँ, कहीं लेके जा रहा तुम्हारे पैसे, दे दूंगा तुम्हारे पैसे कल। मैं बकवास किए जा रहे हो। अगर कल सुबह तक पैसे नहीं मिले ना फिर बताऊंगा तुझे, चल निकल यहाँ से। निकलना दूर जा रहा है। अरे भाई अरे यार मैं कहाँ से पैसे दूँ इनके, काश काश मेरी सैलरी। कौन है? अरे ठीक रहो भाई, उस भिखारी को पैसे देके हमने कर दी बहुत बड़ी गलती। सही कह रहा है, पता नहीं कब देगा वापस। मेरे को लग रहा हमारे पैसे मर गए यार। मरेंगे नहीं भाई, उससे निकाल के रहेंगे, उसका नंगा निचोड़ देंगे, वो पैसे निकाल के रहेंगे। सामने आएगा मुंह फोड़ूंगा उसका, अब की बार रोगी हो मत बता रहा हूँ। तू फोड़ेगा? हाँ मैं फोड़ूंगा। तो फोड़ेगा बताओ। अब कौन है? मदर फादर लिसन अप। अरे भिखारी तू? अरे गाड़ी किसकी मांग लाया, और ये कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? लगता है कहीं से चोरी कर ली। अरे भाई चुप करो। चोरी करके आया, डाका डाला है। मैंने कुछ भी करा हो तुम्हें तुम्हारे पैसे से मतलब है ना? कितने पैसे थे तुम्हारे ये बताओ,
सारे हिसाब चुत्ता करूंगा तुम्हारा चुत्ता। 35,000 35,000 हो गए? हाँ 36 हो गए अभी। 36 1,000 भूल गया तू? मैं दिए नहीं थे पहले? हाँ 1,000 इसने पहले भी दिए थे। 36,000 रुपए दे हमारे। मतलब अपना हिसाब भूल जाता है? हाँ। ए! पैसे तू पैसे ये लो, पैसा 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 करते रहोगे बस। अबे इस भिखारी पे इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए यार? अब ओए चोरी वोरी कर ली क्या तूने फिर से मंदिर में? भाई मैं कह रहा हूँ उसने डाका डाला कहीं पे, और हाँ। लग रहा है ना मंदिर जब बंद हुआ होगा चुपके से गया होगा, तिजोरी में से पैसे लेके आ गया होगा। बिल्कुल सही। पुलिस बुलाए? पुलिस एक बार देखा और देखा तो पकड़ा क्यों नहीं फिर? पुलिस बुलाए? पुलिस अरे बस करो यार, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं करी, मैंने कमाया अपनी मेहनत से, ठीक है ना, क्योंकि मेरी सैलरी आ चुकी है। सैलरी आ चुकी है? अगर अच्छा ऐसा है ना तेरी सैलरी आ गई है तो हमारे पैसे वापस कर। हाँ हमारे मुंह पे मार 36,000 जल्दी ले। ये रहा मुंह भाई, मुंह पे मार नहीं सकता अगर हिम्मत है ना, इसके मुंह पे मार के देखा मान जाऊं। अबे सैलरी आ गई इसका जिगरा। ये ले तेरे पैसे, एक काम करो तुम ये सारे रखो, मेरे पास और पैसा है, ठीक है? चलो अब कल्टी, आज के बाद ना एक गंदी शक्ल दिखा मत देना मेरे को, समझ गए? बहुत पैसा मेरे पे, बहुत पैसा। ओ भाई पर तेरे भाई इतने पैसे आए कहाँ से? यहाँ से, कमाई से, कमाई से। अरे गरीब मैं नहीं हूँ, गरीब हो तुम तीनों, ठीक है? और आज के बाद मेरे से फालतू मत बोल जाना, क्योंकि पैसा बहुत है मेरे पास। क्यों नहीं पहचाना? नहीं मैं वही हूँ तेरा ठसी बॉयफ्रेंड। लिया है ना गाड़ी? आज मेरे पास क्या नहीं है, पैसा है, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, सब है मेरे पास। अबे क्या बकवास कर रहा है, मेरा वो ठसी लीचड़ नीचर बॉयफ्रेंड, वो इतने महंगे कपड़े, इतने महंगे जूते, इतना महंगा चश्मा, इतनी महंगी कैप और इतनी महंगी गाड़ी में आ ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। लग रहा तेरे को ऐसा विश्वास नहीं होगा। विश्वास दिलाना पड़ेगा। क्या तू मेरा भाई नीचर नीचर गरीब कवार बॉयफ्रेंड? क्यों हिला डाला ना सांगे? तेरे पास इतना सब कुछ कैसे, इतनी महंगी गाड़ी और इतना महंगा सब कुछ, ऐसे कैसे हो सकता है? ठुकरा के गई थी ना तू मेरे को, अब बोल। अरे नहीं तुझे गलतफहमी हुई है, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। अरे मैं तो तुझसे सच्चा प्यार करती हूँ बगले। और देख मैं ये मानती हूँ कि तेरे पास आज बंगला शोहरत गाड़ी पैसा सब है, लेकिन तेरी जिंदगी में ना एक चीज की कमी है और वो है प्यार, जो कि तू मुझसे करता है, और मैं तो तेरे पास हूँ नहीं ना। क्या बात कर रही है, इसका मतलब तू मेरे से सच में प्यार करती है? हाँ बिल्कुल सच्चा, ट्रू लव। ओह माय गॉड ट्रू लव, अरे वाह। लेकिन वेट 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 वेट, कहीं तू मेरे पैसों से प्यार तो नहीं करती? अरे नहीं नहीं तू पागल है, ये सब मैंने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि तेरे दिल को ठेस पहुंचे, तुझे पता लगे कि तेरी औकात, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब कि तू कहाँ है, तुझे और मेहनत करने की जरूरत है लाइफ में, और आगे बढ़ने की जरूरत है, और पैसा कमाने की जरूरत है, ताकि तू अच्छी सी लाइफ जी सके। अच्छा इसका मतलब तूने मेरे को मोटिवेट किया है, इसलिए तू मेरे साथ आ सकती है, और इसमें आधा हिस्सा होगा तेरा। हाँ। गाड़ी में दूंगा। तो चले फिर इन्हें उड़ाने के लिए। हाँ ठीक है। हवा बाजी हवा बाजी हवा बाजी, ये ये ये। I love rupiah.
वैसे बेबी ये बताओ कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करोगी आप? उस वाले में थोड़ा लग्जरी। अरे वो भाई साहब कुछ दे दो भाई साहब, अरे कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से कुछ नहीं खाए हैं। ओह माय गॉड सच चीप पीपल, गरीब कहेंगे गंबार, बड़े लोग देखे नहीं, अमीर लोग देखे नहीं कि अपना मुंह फाड़ दिया, हाथ फैला दिया, पैसे दे दो, इन्हें और कोई काम नहीं है क्या? अरे नहीं बेबी, हमें ऐसे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं है कुछ भी? नहीं मेरे को कुछ नहीं सुनना, एक सेकंड में अभी आया। हाँ भाई साहब क्या हो गया, क्या चाहिए? भाई साहब कुछ खाए नहीं है, कुछ पैसे दे दो यार। अरे तो भैया खाना मांगो ना, पैसे खाओगे क्या? अरे कुछ पैसे से लेके खा लेंगे। अच्छा लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? तुम एक दोगे ऊपर वाला तुम्हें 10,000 देगा। 10,000? हाँ तो भाई साहब एक काम करो, मैं आपको ना ये 10,000 रुपये रखो आप, ये लो। और मेरे को कितने मिल जाएंगे? 1,00,000? हाँ बहुत देगा। एक काम करता हूँ सारे दे देता हूँ, तो मेरे को कितने मिल जाएंगे? 10,00,000 या 2,00,000? 2,00,000। हाँ एक काम करो ये भी रखो आप 10,000, तो अब मेरे को कितने मिल जाएंगे? 10,000 सॉरी 2,00,000। हाँ बहुत देगा। अरे भैया अगर डबल नहीं हुए ना जान से मार दूंगा। नहीं देगा बहुत देगा। Come on darling, come inside, please come. यहाँ पे ओके आइए। एक सेकंड, ये रेस्टोरेंट वाले भी जगह साफ नहीं रखते। बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी वेटर। जी सर आपका ऑर्डर? काम करो आप एक प्लेट पास्ता ले आओ। ओके सर एक प्लेट पास्ता। और कुछ सर? और कुछ नहीं अभी के लिए इतना ही। ओके मैम ने कहा अभी के लिए इतना ही, लेकर आओ फटाफट। ठीक है सर मैं अभी लेके आया। अच्छा एक मिनट रुको, तो आप खाली हाथ अच्छा नहीं लग रहे, काम करो ये 20 कार्टन रखो। ओके थैंक यू सर। यू नो वी आर रिच, पैसा ही बहुत है ना, पैसा ही कह दें। ये लो सर आपका व्हाइट सॉस पास्ता, एंजॉय योर मील। ओके थैंक यू। एक सेकंड इसे उठाओ। हाँ इस पर रखो, हमें नीट एंड क्लीन चीज पसंद है, यू नो वी आर रिच। ये क्या कर रहे हो? वो सर आपके पैसे यहाँ गिर गए थे इसलिए। हाँ ले जाओ फिर, आपने छू दिया हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओह हाँ। बिकॉज वी आर रिच। अब खा लूं मैं। या ये क्या बदतमीजी है, खाना नहीं आता, गरीब हो क्या? अमीरों की तरह खाओ, देखो। एक्सक्यूज मी वेटर, बिल ले आओ। जी सर 700 रुपये हो गया। जी 700 रुपये? तुझे फकीर दिख रहे हैं क्या, गरीब दिख रहे हैं हम जो 700 रुपये देंगे? बेबी इसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, हमें तो चीप रेस्टोरेंट में आ गए खाना खाने, यहाँ पे आना ही नहीं था है ना। हाँ पे कह रहे हो लग्जरी सा लग रहा था। ओए देख सही लगा ले वरना हम चले यहाँ से। अच्छा जी अगर इतना ही बोल रहे हो ना तो 700 की जगह 7,000 रुपये हो गए, अब दो। हाँ ये हुई ना बात, 7,000 रुपये। एक काम कर बेबी स्टैंड अप थोड़ा सा, ये ले, ये पूरे 7,000 नहीं है, ये 7,000 से 200-300 ज्यादा ही होंगे। ओ टिप है मतलब मेरी, टिप तो ये ले। एक काम कर तू ये टिप ये ले जा, ठीक है? बस एक काम करिए जो यहाँ पे पड़े है ना वो सारे तू ही रख ले। हाँ ठीक है सर। हाँ चले। गरीब खा लेंगे।
बड़ी 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 बातें। अरे भैया एक प्लेट डोसा खिला दो। कितने का है वैसे? भाई 50 रुपए का डोसा। 50 रुपए? बेबी मेरे पास तो 20 रुपए है, तुम्हारे पास देखना कितने हैं। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। भैया हमारे पास 30 रुपए हैं, 30 रुपए में कुछ हो सकता है? ये तुम्हारे फूफा की दुकान है जो तुम्हें 30 रुपए में डोसा खिलाऊं? 30 रुपए का कोई डोसा नहीं आता। अरे भैया प्लीज खिला दो ना, खिला दो प्लीज प्लीज, हम बहुत भूखे हैं प्लीज। चलो ठीक है मैं तुम्हें डोसा खिला देता हूँ, मगर तुम दोनों को एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम दोनों को मुझे पापा बोलना पड़ेगा। अच्छा पापा जी हमें डोसा खिला दो ना। हाँ हाँ खिलाएंगे तुम्हें पापा जी डोसा। आ जाते गरीब कहाँ कहाँ से मुंह उठा के, चले निकले यहाँ से। सुनो मैं ना तुम्हें बिजली का बिल भेज रही हूँ, भर देना एक बार। अरे ओए मैं तेरा पापा लग रहा हूँ, जब बिल भर दूंगा अपने पापा से जाके क्या तेरा सारा घर का खर्चा मैं ना उठा लूं। एक काम कर तू अपने घरवालों को ना मेरे घर लिया, उनको पाल पोस के मैं और बड़ा कर दूंगा। अच्छा मतलब तुम मेरा रिचार्ज नहीं करवाओगे? अरे यार बेबी मैं कैसे भर दूंगा, एक बार मेरी हालत तो देखो। ओए मेरी बात ना ध्यान से सुन, आज जो तेरी ये हालत है ना ये तेरी खुद की वजह से है। तब तो पहले वेटर पे पैसे उड़ा दिए, कार ड्राइवर पे पैसे उड़ा दिए, गाड़ी पे पैसे उड़ा दिए, और अब इन सब चीजों का ब्लेम मेरे माथे फोड़ रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है, तेरी गलती है, तेरी वजह से तो खुद गरीब हुआ है। ओ हो 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 हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। जब तक पैसा था मेरे पास जब तक तो पीछे पीछे घूमती रहती थी मेरे, अब पैसा खत्म तो प्यार भी खत्म। अरे सैलरी खत्म हुई है मेरी यार, तू तो ऐसा कर रही है तो मैं पता नहीं कितना गरीब हो गया हूँ। अबे ओए ये सारी बकवास करने की जरूरत मेरे सामने नहीं है, और वैसे भी आज तक तूने किया ही क्या है मेरे लिए? 2-4 हजार रुपए की उड़ा दिए, तुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तूने मेरे लिए ताजमहल खड़ा कर दिया हो। और मेरे को ना अच्छे से पहले से ही पता था कि तू एक नंबर का गवार, निकम्मा, कमीना और कामचोर है। वो वो वो, एक तो तूने मेरे से इतना खर्चा करवा दिया और अब मेरे पास पैसा नहीं है तो तू ऐसा कर रही है, ये तो वही बात होगी उल्टा चोर कोतवार को डांटे। मुझे ना तेरे पास वापस आना ही नहीं चाहिए था, आने तो इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। देख मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, अगर तुझे मेरी लाइफ में दोबारा आना है और मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो जैसे पहले तू पैसे लाया था ना वैसे ही लेकर आ, मैं तुझे पहले की तरह वैसे ही एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन तब तक मुझसे दूर रह, समझा? अरे बेबी कोई बात नहीं छोड़। अरे सुन तो ले। अरे ओए बेबी। अरे यार ये क्या हो गया? अरे ये लोग यहीं पे क्यों आ रहे हैं? ओ भाई कैसे लड़की सुना रही तेरे को? अरे यार वो मेरी बंदी मेरे से यूं कह रही थी कि मेरा बिल का रिचार्ज कर दो। अरे यार मेरे पास कहाँ से पैसे आए जो उसका रिचार्ज कर दूंगा मैं, ये कोई बात है? अबे बॉयफ्रेंड तो रिचार्ज तो करना पड़ेगा ना बेवकूफ आदमी, बॉयफ्रेंड का ही तो काम होता है, लड़की के खर्चे झेलो रिचार्ज करो बस सिंपल काम, लड़की खुश। कल तक कितने उड़ा रहा था रिचार्ज भी कर देता ना। और क्या, अबे कल पार्टी में भी था उसके साथ ये भाई, रेस्टोरेंट में यूं पैसे बिछा के बैठ रहा था। तूने कब देखा वो? मैं बाहर से जा रहा था मैंने देख लिया इसे। अरे लेकिन तुम मेरी एक बार हालत तो देखो, मैं गरीब हो चुका हूँ, मैं कहाँ से रिचार्ज करवा दूंगा उसका। ओ मतलब तूने अपनी सारी सैलरी अपनी बंदी पे उड़ा दी। अरे बंदी नहीं अपनी अय्याशी पे उड़ा दी। हाँ तो मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो रखा है ना दोस्तों, इतना कर्जा हो रखा है, मैं डूबा पड़ा हूँ अपने कर्जे में, मैं अपने घर का राशन तक नहीं ला पा रहा, सिलेंडर खाली पड़ा, सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा, और रोज लैंडलॉर्ड आ जाता डंडा करने के लिए, समझ नहीं आता उसको रेंट कहाँ से लाकर दूँ, सारा पैसा तो मैंने अय्याशियों में उड़ा दिया। समझा भाई कुछ इसे। अरे क्या समझाऊं, क्या 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 समझाऊं इसको, कुछ समझ तो आना चाहिए। अरे भगवान ने इसको भेजा तो भेजा, मगर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा, तनख्वाह सैलरी क्या होती है भाई। हाँ। इंसान की जरूरत होती है और तू उसको फालतू चीज में वेस्ट कर रहा है। अरे पहले अपना घर देख भाई। पर नहीं इसको समझा समझा के थक चुका हूँ मैं, अरे मेरी बात ही तो नहीं मानता, ये करना है वो करना है पैसे उड़ाना है, पैसे उड़ा उड़ा के पागल हो चुका है, इसके दिमाग में सिर्फ पैसा चल रहा है पैसा, पागल कहीं का। हाँ हर टाइम लड़की पे पैसा उड़ाता रहे और गाड़ी पे, पहले घर देखना चाहिए ना अपना भाई। और क्या भाई, लगता अब ये समझ गया होगा। मेरे को लगता था नहीं समझा होगा, ये समझ गया होगा भाई। समझा कुछ? हाँ। आ गया नहीं वही पे लुटे। अबे तू अमीर कैसे हो गया दोबारा? और ये गाड़ी कपड़े कहाँ से आ गए दोबारा? दोस्तों मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि आ चुकी है मेरी सैलरी। एक काम करो ये तुम कुछ कुछ पैसे रखो और चाय वाय पी लेना ठीक है। तूने भाड़ में
वो मैं कह रही थी कि आई लव यू। अच्छा, मेरे पास नोट है अब तो, आई लव यू। ओके ओके ओके, तुझे क्या लगता है मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगा? मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगा। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट शेयर कर दो फटाफट से, और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल द शिवम को, साइड में घंटा उसे दबा दो ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यार, फॉलो नहीं करते तुम लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो।